हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस एलिवेशन के बारे में। हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे पास एक लेटेस्ट डिज़ाइन है, मॉडर्न डिज़ाइन है एलिवेशन के साथ में। फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे इसका पूरा 3D में एलिवेशन, मीन्स कि आप देखेंगे पूरा 3D में हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। साथ में हम आपको बताएंगे इसका पूरा 3D प्लान, ये हमारे पास इसका पूरा 3D में प्लान रहेगा। 3D प्लान के साथ में फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे इसका मैप के बारे में, मीन्स की नक्शा के बारे में, ये हमारे पास नक्शा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है, ये आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इसका ये जो फ्रंट देखेंगे आप, ये जो अंदर इसका जो फ्रंट है, ये 33 फीट का फ्रंट है। अंदर इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, ये भी 33 फीट का है। तो ये हमारे पास 33 फीट का हमारे पास ये डिज़ाइन है, मीन्स कि हमारे पास जो कवर्ड एरिया है अपने इस घर का, ये 33 फीट का है। प्लॉट का जो साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्लॉट का साइज हो वो हमारे पास इस कवर्ड एरिया से ज़्यादा ही हमारा प्लॉट का साइज हो, क्योंकि आप देखेंगे हमने इसमें चारों तरफ से कुछ स्पेस छोड़ा हुआ है, जो कि हमारे पास ये जो मेन पर्पस है वो हमारा वेंटिलेशन पर्पस से है। वेंटिलेशन पर्पस से ही हमने ये चारों तरफ से स्पेस छोड़ा हुआ है। तो फ्रेंड, ये हमारा डिज़ाइन है, आप देखेंगे एक लेटेस्ट डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी इकोनॉमिकल है। इसमें आप देखेंगे कोई भी हमने कॉस्टली मटेरियल का यूज नहीं किया हुआ है, पूरा ही पेंट फिनिश में हमने इसको तैयार किया हुआ है। तो ये हमारे पास इसका एलिवेशन है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने ये ग्रूविंग दी हुई है जो कि हमने ग्रे पेंट किया हुआ है। ये हमारे पास रेलिंग का डिज़ाइन है, यहाँ पर हमारे पास ये पूरा ही पेंट फिनिश हमारे पास ये रहेगा, पूरा ही पेंट फिनिश में हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो एक लेटेस्ट मॉडर्न डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इसके 3D प्लान की तरफ। ये हमारे पास 3D प्लान है, जिसमें आप देखेंगे जो हमारी एंट्री हो रही है, मेन एंट्री हमारे पास यहाँ से है। आप जो रैंप देख रहे हैं यहाँ से ही हमारे घर की मेन एंट्री है, लेकिन हमारी जो सेकंड एंट्री हो रही है वो हमारी इस डोर से हो रही है, इस डोर से हम अपने घर के अंदर आ रहे हैं। और ये हमारे लिए फ्रंट में सबसे पहले एक बरामदा मिल रहा है, जो कि हमारे पास एक सिटिंग पर्पज़ से इसे हम अपना यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्रंट में बरामदा रहेगा। ये जो डोर है ये हमारे घर का एंट्रेंस डोर है। इस डोर से आगे बढ़ने पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर एक लॉबी मिलेगी, इसे हम अपना एक ड्राइंग हॉल भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग हॉल है, जिसमें हमने यहाँ पर ये एल शेप में सोफ़ा की सेटिंग दी हुई है। ये हमारे पास काफ़ी बड़े साइज का एक विंडो रहेगा, तो इस विंडो से हमारे इस हॉल का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा TV कैबिनेट का डिज़ाइन रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास हॉल रहेगा जो कि काफ़ी बड़े साइज का है। ये फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर ये स्टेयरकेस का डिज़ाइन रहेगा, यहाँ से जाएंगे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर। ये हमारे पास स्टेयरकेस का डिज़ाइन है, यहाँ से हमने स्टेयरकेस को अप कराया हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारे पास बेडरूम का प्लान रहेगा। ये हमारे पास बेडरूम है, इस बेडरूम में आप देखेंगे दो विंडो का हमने इसमें डिजाइन किया हुआ है। इसमें हमें दो विंडो मिलेंगी, दोनों विंडोज़ का हमारे इस दोनों विंडोज़ के थ्रू हमारे इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। बेडरूम में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर ये बेड का डिजाइन रहेगा, इस वॉल पर रहेगा TV कैबिनेट का डिजाइन, और यहाँ पर रहेगा हमारे पास ये कवर्ड का डिजाइन। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास बेडरूम है। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहेगा कॉमन टॉयलेट, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है। टॉयलेट में आप देखेंगे हमारे पास इसमें हमने वादिंग एरिया को और टॉयलेट सीट दोनों को कंबाइंड ही रखा हुआ है। टॉयलेट में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक वेंटिलेटर रहेगा, तो इस वेंटिलेटर से हमारे इस टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो टॉयलेट है, इस टॉयलेट के लिए फैमिली का कोई भी मेम्बर यूज कर सकता है, या फिर हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकता है। ये फ्रेंड्स हमारे पास रहेगा सेकेंड बेडरूम का डिजाइन। ये हमारे पास सेकेंड बेडरूम है, इस बेडरूम में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक बेड का डिजाइन है। इस वॉल पे ये हमारे पास कवर्ड रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारे पास ये TV कैबिनेट का डिजाइन। बेडरूम में हमें यहाँ पर दो विंडो मिलेंगी, दोनों विंडोज से हमारे इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास रहेगा सेकंड बेडरूम। ये रहेगा फ्रेंड्स हमारे पास फ्रंट में किचन का डिजाइन और डाइनिंग एरिया। ये हमारे पास किचन कम डाइनिंग एरिया रहेगा। किचन में आप देखेंगे दो विंडो रहेंगी, दोनों विंडोज से किचन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। मॉड्यूलर हमारा किचन रहेगा, काफ़ी स्पेसियस हमारा किचन है। तो ये फ्रेंड्स हमारा प्लान है, 3D प्लान, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 BHK का हमारा प्लान है, काफ़ी बड़े साइज का हमने इसमें सभी रूम वगैरह को अरेंजमेंट किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा प्लान है, और ये इसका एलिवेशन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके मैप की तरफ।
ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप रहेगा जिसमें आप देखेंगे हमारे पास ये 33 फुट बाई 33 फुट का हमारे पास ये प्लॉट है, मींस कि कवर्ड एरिया है अपने इस घर का, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे घर की जो एंट्री हो रही है वो हमारे पास यहाँ से ये एंट्री है। ये हमारे पास बरामदे में है जो कि 15 फुट 6 बाई 7 फुट की हमारे पास ये बरामदे में एंट्री है। ये हमारे घर की सेकेंड एंट्री है, इस एंट्री से हम अपने घर के अंदर आ रहे हैं। इस एंट्री से आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर मिल रही है एक लॉबी जो कि 15 फीट 2 इंच बाई 12 फीट 2 इंच की होगी, जिसमें हमारे पास यहाँ पर ये एल शेप में सोफा का डिजाइन रहेगा और ये रहेगा हमारे पास टीवी कैबिनेट का डिजाइन। ये फ्रेंड्स हमारे पास फ्रंट में किचन कम डाइनिंग एरिया रहेगा जो कि 16 फीट बाई 12 फीट 3 इंच का होगा। ये हमारे पास किचन कम डाइनिंग एरिया है। ये हमारे पास स्टेकेस का प्लान है जो कि 9 फीट 9 बाई 6 फीट 6 इंच का हमारे पास ये स्टेकेस रहेगा। ये हमारे पास बेडरूम प्लान रहेगा जो कि 14 फीट बाई 12 फीट का हमारे पास ये बेडरूम है। ये फ्रेंड्स हमारे पास कॉमन टॉयलेट है जो कि 6 फुट बाई 6 फुट 6 इंच के हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट है और यहाँ पर रहेगा हमारे पास सेकंड बेडरूम जो कि 10 फुट 9 इंच बाई 12 फुट का हमारे पास से सेकंड बेडरूम है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप है जो कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये हमारा डिजाइन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो डिजाइन है, आपको ये हमारा डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।